अलैकुम। हम लोग हैं भाई फ्रॉम सोसेफ, सोसेफ इंटरनेशनल। हमारी सोसेफ वाटर टेक्नोलॉजी हमारी बेसिकली पिछले 34 साल से काम कर रही है वाटर प्योरिफिकेशन, मिनरलाइजेशन और आलू प्लांट, डिसैलिनेशन प्लांट और सीवरेज वाटर प्लांट सब चीज़ें बना रहे हैं। हमारा ये एग्जीबिशन टेक्सटाइल एशिया में रखा हुआ था 3 लाख गैलन का एक आलू, जो कि हम लोग स्टार्ट बेसिकली आलू के मैं थोड़े बारे में थोड़ा आपको बता दूँ। आलू प्लांट क्या काम करता है, बेसिकली जो भी पानी होता है उसमें सॉल्ट बने हुए होते हैं। एक ह्यूमन बॉडी के लिए सॉल्ट जो आपका यूज है जो है 240 से नीचे और 150 से ऊपर का सॉल्ट जो है वो इतना सॉल्ट होना चाहिए पानी में। अब हमारे पास जो नॉर्मल बोरिंग का पानी निकलता है या कोई भी पानी हम दरिया का लेते हैं उसमें होता है 200, 2000, 3000, 10000। समंदर के पानी में होता है 60-60 हज़ार, 1-1 लाख TDS सॉलिड डिसॉल्व्ड। अब उसको एक इस काबिल बनाने के लिए अब मुख्तलिफ कामों में यूज़ होता है। टेक्सटाइल वाले अपने उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। पीने के लिए 200 से उसका चाहिए था। एक्वाफिना कैलिगन ने प्लांट लगाए हुए मिनरल वाटर बनाने के लिए। अब इसका नॉर्मल सिस्टम क्या होता है, अगर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊँ कि पानी लेते हैं बोरिंग का, फीड पाउडर लेते हैं और उसको बिल्कुल उसमें सॉल्ट निकाल देते हैं। उसमें पता नहीं कौन कौन से सॉल्ट मिले होंगे, कितनी मिकदार में मिले होंगे आपको नहीं पता। उस सारे सॉल्ट निकाल के और उसके बाद उसमें जो सॉल्ट ह्यूमन बॉडी को चाहिए वो हम मिला देते हैं। ठीक है, अब वो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। वो सॉल्ट आप बता सकते हैं कौन से सॉल्ट होते हैं? वो सॉल्ट बड़े कॉमन सॉल्ट होते हैं। आप कोई सी भी एक्वाफिना की बोतल उठाए उसके भीतर सारे लिखे होते हैं। अच्छा, ये आप इम्पोर्ट करते हैं यहीं पे सॉल्ट? सॉल्ट डिपेंड करता है, ज़्यादातर इम्पोर्ट होता है क्योंकि इम्पोर्टेड सॉल्ट ही हमें पाकिस्तान के सॉल्ट अवेलेबल है नहीं। बेल्जियम, चाइना, कोरिया सब जगह से मुख्तलिफ इम्पोर्ट हो रहे हैं। जो भी इसकी प्रोसेस है, ये फीड पम्प होता है, फीड पम्प से हम इसको फर्स्ट स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन से गुजारते हैं, मल्टी कार्ट्रेज हाउसिंग है ये, ताकि उसमें से कोई भी सॉल्वेंट हो ख़त्म हो जाए। पंप करके उसको मेम्ब्रेन में से गुजारते हैं। ये मेम्ब्रेन बेसिकली काम करती है, ये मेम्ब्रेन है जो आलू का दिल होती है, इसमें से गुजारते हैं ताकि वो पानी में सारे सॉल्ट खत्म कर दे। और उसके बाद माइक्रोन्स की होती है ये मेम्ब्रेन, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपके हर माइक्रोन डीमिन बनाना चाह रहे हैं, डीमिन लाइव वाटर, तो उसमें कितने आप मुझे टेक्निकल डिटेल्स पर आ जाओ तो बड़ी डिटेल में चले जाएगा। आप अपना सवाल दे दो, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अगर आपका प्रोजेक्ट है तो मैं इसके एक सॉफ्टवेयर होता है वो दे देता हूँ। हमारी वेबसाइट पे उसका फ्री एक्सेस है, वो आप सिर्फ फीड लिखो, रिक्वायरमेंट लिखो, आपको पूरा बना के दे जाएगा। इसमें ये लगा दो, उसमें कौन सी मेम्ब्रेन लगनी है, कौन सा पंप लग रहा है, कौन सी, वो पूरी डिटेल्स में फ्री है ये बिल्कुल। और भी नहीं तो चैट जीपीटी आपको बता देगा। आप इसको टेंशन नहीं, तो खैर इसके बाद आपका सिंपल आगे मैं पेज भी दिखा देता हूँ। वहाँ पे था मिनरलाइजर है, केमिकल लगे हुए जो ग्रे कलर की हाउसिंग दिखी है साइड में, और उसके बाद ये यहाँ पर प्रोडक्ट में चला जाता है, प्रोडक्ट टैंक में चला जाता है, वहाँ से आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके एनालाइजर्स कहाँ पर लगे हुए हैं? चले, ये पूरा इसका प्रोसीजर होता है आसान अल्फाज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप sosafe.com पे जाइएगा, वहाँ पे पूरी डिटेल में प्रेजेंटेशन के साथ लगा हुआ है और सॉफ्टवेयर भी वहाँ पे आप क्रिएट करेंगे तो सॉफ्टवेयर में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट डाल सारी चीज़ें डाल और पानी का कितना कितनी TDS का पानी डालना है आपको पूरा सिस्टम डिजाइन करके देंगे।